बच्चों की गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है। ऐसे में बच्चे जो है ना, वो सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, पास्ता खाने का डिमांड करेंगे। और इन सब के लिए क्या लगता है? चीज। वो चीज तो जरूरी है, मगर बाहर अगर चीज खरीदने जाओ तो पूछिए मत। एक तो महंगा भी मिलता है और कई कई तो मिलता भी नहीं है। तो इसलिए आज मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से घर में रखे इंग्रेडिएंट से ही आपको चीज कैसे बनाते वो बताऊंगी। बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनेगा, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट भी करेगा, एकदम 100%। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चीज बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी दूध की। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है। ये जो दूध है ये फुल फैट क्रीम वाला मिल्क होना चाहिए। आप देख सकते हैं, एक एक लीटर की मैंने यहाँ पे 2 बैग्स ली है दूध की। यहाँ पे आप गाय का, भैंस का, डेयरी वाला कोई भी और किसी भी ब्रांड का दूध ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कच्चा दूध है। तो सबसे पहले इसे हमें एक बड़े से पतीले में निकाल लेना है। अब इसे ना हमें गर्म करके लेना है। तो यहाँ मैंने गैस को ऑन कर लिया है। आज को जो है हमें धीमा ही रखना है। अब इसे इस तरह से चलाते हुए हमें गर्म करके लेना है। यहाँ दूध में उबाल नहीं आने देना है, इस बात का आप ध्यान रखें। इसे बस हल्का गर्म करके लेना है, यानी कि गुनगुना होना चाहिए। इस तरह से हम उंगली डालेंगे दूध के अंदर, और अगर ये 13 सेकंड तक आप अगर दूध का टेम्परेचर जो है ना वो सह सकते हैं, यानी दूध जो है परफेक्टली गर्म हो चुका है। तो चलिए अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे आंच से उतार लेते हैं। अब किसी भी तरह का चीज बनाने के लिए दूध का कर्डल होना जरूरी है। नॉर्मल भाषा में कहे तो दूध को हमें फाड़ के लेना है। यहाँ मैंने 3 नींबू का रस लिया है। अगर चम्मच के हिसाब से देखा जाए ना तो 4 से 5 बड़े चम्मच ये होगा। देखिए, आप यहाँ पे विनेगर या फिर नींबू का रस ले, पर इसे एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसे ना हल्के हाथों से मिलाते जाए। ये स्टेप काफी इम्पोर्टेंट है। एक साथ सिरका या फिर नींबू का रस डालेंगे तो दूध को ना एकदम से एक साथ झटका लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, इसलिए एक साथ इसे ना डालें। धीरे धीरे इस तरह से मिलाते जाए। आप देखेंगे इसमें जो छेना है ना, यानी जो कर्ड है, वो अलग होना चालू हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। इसी तरह से हमें छोड़ देना है। 3 मिनट हो गया है और आप देख सकते हैं दूध का जो कलर है हल्का चेंज भी हो गया है और छेना भी अलग होने लगा है। इसका मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर प्रोटीन है ना, वो सारा का सारा कर्डल होके सेपरेट हो चुका है। बस अब इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, इस छेने को ना अलग कर लेंगे, यानी कि इसे अच्छे से सारा जो छेना है ना, इसे एक छन्नी में निकाल के इसे छान लेना है। अब जो ये बचा हुआ लिक्विड है, इसे आप फेंके नहीं, इसका भी इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ ढककर। अब जो ये छेना है, इसे इस तरह से दबाते हुए सारा इसका जो पानी है ना वो अलग कर लेंगे। इसके ऊपर साफ पानी डालकर इसे धोकर ले लेंगे, जिससे कि इसमें हमने जो नींबू का रस डाला है उसका जो फ्लेवर है सारा का सारा निकल जाए। अगर आपने विनेगर भी डाला है तब भी आपको इस प्रोसेस को करना जरूरी है। और साथ ही साथ में इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है ना, उसे भी हमें अच्छे से दबा दबा कर निकाल लेना है। अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा छेना हाथों में भी लूंगी और इस तरह से अच्छे से दबा दबा के जितना हो सके ना उतना इसे निचोड़ लूंगी और इसका जो पानी है वो अलग कर लूंगी। अब ये जो निचोड़ा हुआ अच्छा सा छेना है, जिसका पानी मैंने निकाल दिया, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जितना मैक्सिमम आप पानी निकाल सकते हैं उतना मैक्सिमम आप पानी निकाल ले। अब देखिए छेना यहाँ पे बिल्कुल रेडी है, तो इसे हम फिलहाल के लिए साइड में रख देंगे। मैंने यहाँ पे बाउल लिया है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच पानी लेंगे और इसी में हम 1 छोटा चम्मच साइट्रिक एसिड डालकर इसे अच्छे से मिला देंगे। अब अगर आपके पास साइट्रिक एसिड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसका भी ऑप्शन आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। ये देखिए, ये अच्छे से घुल गया है पानी में। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ही बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा या फिर कुकिंग सोडा भी कहते हैं। देखिए डालते ही ये कैसे एक्टिवेट हो गया है, और ये देखिए एकदम कितना इसके ऊपर बबली सा ये हो गया है। अब इसे भी हम अच्छे से मिला देंगे। इसे तब तक मिलाएंगे जब तक इस जो सारे बबल्स है ना वो अच्छे से सेटल ना हो जाए। ट्रांसप्लांट होने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। आप चाहो तो इसी प्रोसेस को छेना बनाने से पहले भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखिए सारे बबल्स इसके चले गए हैं। इसे रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ले लेते हैं मिक्सी का जार। आप नॉर्मल मिक्सी का भी जार ले सकते हैं।
अब ये जो छेना है ना, इसे हम इस तरह से तोड़कर यानी कि क्रमली करके इसमें डाल देंगे सारा का सारा। अब यहाँ पे मैंने लिया है 1/3 कप दूध। अच्छा, ये कच्चा दूध नहीं है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध है। अब इसी में जाएगा 1/4 कप बटर। बटर यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्लेवर के लिए। आप चाहो तो बटर के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये साइट्रिक एसिड वाला पानी था ना, ये भी इसमें पूरी तरह से डाल देंगे और इसी में 1/4 छोटा चम्मच या फिर 2 चुटकी नमक हम इसमें डालेंगे। अब इसे ना हमें पीस कर लेना है। इसे हमें 4 से 5 बार बन चलो पल्स मोड में इसे पीसना है। ये देखिए एकदम स्मूथ क्रीमी इसका टेक्सचर हो गया है। इस मिक्सचर को हमें ना थोड़ा सा पका के लेना है, लेकिन डायरेक्ट हीट पे नहीं पकाना है। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने पानी गर्म करके लिया है। आप देख सकते हैं पानी में अब हल्का हल्का उबाल भी आने लगा है। इसके ऊपर इस बाउल को रख देंगे इस तरह से। मेक श्योर ऐसा ही जो बर्तन ले जो इसका जो हीट है, इसका जो टेम्परेचर है वो सह सके। आंच को हम लो पे रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि इसे ना हमें अच्छे से पकाना है जब तक ये पूरी तरह से पतला ना हो जाए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अगर ये ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्या आप फिर भी चीज बना सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, आप चीज तो भी बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1 बड़ा चम्मच आपको पानी लेना होगा जैसे कि हमने लिया था, और उसमें आपको साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडे के बदले 2 छोटे चम्मच भरकर इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट डालना होगा। उसे भी आप अच्छे से मिला ले, एकदम उसके भी बबल्स पूरी तरह से चले जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद जैसे हमने डाला था बिल्कुल वैसे ही आप इस्तेमाल करें और तभी आप देखोगे कि आपका चीज बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन तो मैंने यहाँ पे आपको अब दे दिया है। अच्छा, इसे पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। डबल बॉयलर मेथड में इसे मैं पका रही हूँ और आप देख सकते हैं कि मिक्सचर एकदम परफेक्टली हो गया है, एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला है। बिल्कुल देखिए इस तरह से रिबिन की तरह गिर रहा है, ऐसा ही गिरना चाहिए। एकदम सिल्की है, स्मूथ है, क्रीमी है, शाइनी है, बस ऐसा ही इसका टेक्सचर हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक कंटेनर लिया है जिसमें हमें चीज को जो है सेट करने वाले हैं। तो इसे सबसे पहले हम बटर से ग्रीस कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे घी या फिर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल रिबिन की तरह गिर रहा है, एकदम लिक्विडी क्रीमी, एकदम स्प्रेड करने वाला जैसा चीज मिलता है ना मार्केट में, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। अब इसके ऊपर से ना हम लगाएंगे क्लिंग फिल्म। ये जो क्लिंग फिल्म है ये हमारी चीज के जो सरफेस के टॉप पे ना टच करनी चाहिए। ये करने के पीछे का लॉजिक ये है कि मैं नहीं चाहती जो एयर है वो कांटेक्ट में आए चीज से, क्योंकि जैसे ही एयर चीज के कांटेक्ट में आ जाएगा ना, एक हार्ड सी परत बन जाएगी इसके ऊपर में, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से लगा दिया। अब इसके ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, जब तक ये सेट हो रहा है हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने पानी बचा के रखा था, जो कि मैंने कहा था कि इसे फेंके नहीं, ये हम बाद में इस्तेमाल करने वाले, तो इससे हम क्या करेंगे, अब इसमें ऑलरेडी नींबू का रस पड़ा हुआ है, अलग से इसमें नींबू का रस या फिर विनेगर आपको डालने की जरूरत नहीं। इसे डायरेक्टली हम गैस पे रख देंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और हाई फ्लेम पे ना 2 से 3 मिनट इसे से पकने देंगे। जैसे ही पकना स्टार्ट होगा आप देखोगे कि इसमें से ना फिर से कर्डल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें से ना छेना अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 3 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं इसमें से कितना सारा छेना अलग होने लगा है ना। तो बस 3 मिनट ही पकाना, इससे ज्यादा इसे पकाना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक छलनी ली है जिसके ऊपर मैंने मसलिन क्लॉथ लिया। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और ये जो सारा पानी है इसे हम छान लेंगे। अच्छा, ये पानी जो है काफी हेल्दी होता है, तो हो सके तो आप इसे फेंकने, आप कोई करी बनाने के लिए, आटा गूंदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते। अब ये जो पूरा छेना है मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इससे ना अच्छे से हम धोकर ले लेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा सा नींबू के रस का फ्लेवर है तो वो नहीं चाहिए। तो आप इसे अच्छे से नल के नीचे अच्छे से वॉश कर ले और उसके बाद हम इसे अच्छे से निचोड़ लेंगे जिससे कि सारा पानी निकल जाए, और इसे हम छलने में इसी तरह से रख देंगे जिससे क्या होगा, चीज के साथ हमें पनीर भी मिलेगा। तो लगभग 100 ग्राम के इतना पनीर आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे रख दिया और इसे भी 1-2 घंटे के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये भी थोड़ा सा सेट हो जाए और हमारा पनीर भी साथ में रेडी हो जाए। इसे मैंने 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। इसके ऊपर के बबल जो है ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल बाजार जैसा ही बना है और ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको इस चीज को यूज कैसे करते हैं वो भी बताती हूँ। इस तरह आप ब्रेड में इस चीज को अच्छे से स्प्रेड करके ले।
और फिर इसे तवे पे टोस्ट करें। 1 से 2 मिनट में ही चीज जो है पूरा मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए ये रेडी है, इसे निकाल लेते हैं। साइड में आप देख सकते हैं चीज कैसे मेल्ट होकर बाहर आ रहा है। इसे मैं आपको तोड़कर भी बताती हूँ। देखिए कैसा स्ट्रेची है ना, पर ये जो प्रोसेस चीज होता है ना बिल्कुल वैसा ही ये बनता है और टेस्ट में कुछ भी फर्क नहीं है। तो इस चीज को आप एज अ स्प्रेड चीज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिस कंटेनर में आपने रखा है उसी में आप रखकर इसे यूज कर सकते हैं। ये जो चीज स्प्रेड है ये 5 से 6 महीने बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आपको इसके छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं तो आप इसे ना मेरी तरह डीप फ्रीजर में, यानी जहाँ पे हम बर्फ जमाते हैं ना, वहां पे रखें और क्यूब्स में कट करके जितना चाहिए उतना इस्तेमाल कर सकते। मैं इसे कद्दूकस करके भी आपको दिखाती हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट बना है ना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।